बाकी के सभी गेट्स कैसे प्राप्त करते हैं? तो हमारे पास पहली चीज ये है कि हम नेट गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करें, ठीक है, समझिएगा, नेट गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए हम लेते हैं पहले ये नेट गेट, या आपने नेट गेट लिया, ठीक है जी, यहां से आपको ए और बी आपने इनपुट दिया, आपके पास यहां पर क्या प्राप्त होगा, ए डॉट लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको है ना वापस दो टर्मिनलों में डिवाइड करके ऐसे आप एक और नेट गेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है आपके एंड गेट की संख्या क्या होती है, 1.1=1, ठीक है, तो ये चीज जो है ना ए डॉट बी बार यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा, तो ओवरऑल क्या प्राप्त होगा आपको यहां पर ए डॉट बी बार ही प्राप्त होगा यहां पर, ठीक है। लेकिन ये जो नॉट गेट क्या करेगा, इसको है ना इसका इनवर्स कर देगा, तो हमारे पास यहां फाइनली प्राप्त होगा ए डॉट बी बार का होल बार। तो इसको हम बी मॉर्गन थ्योरम से अगर करें तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपके पास ये इसकी संख्या आ गई, एंड गेट की संख्या आ गई। तो हमने क्या सीखा, मेन गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करना, तो इस तरह से हम मेन गेट से एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं नैंड गेट से और गेट, और गेट क्या होता है कि ए प्लस बी लाना है हमें और किससे लाना है, नैंड गेट से, तो ये बनाते हैं। तो ये हमने टर्मिनल लिया इसका एक, इसको हमने शॉर्टेड, इसको शॉर्ट किया, ये बनाया नैंड गेट, आउटपुट यहां से मिलेगा, हमने टाइम सिग्नल लिया ए, तो हमारे पास नैंड गेट से के अनुसार क्या प्राप्त होना चाहिए, ए बार, ठीक है जी। और दूसरा हम लेंगे बी लिया हमने, इसको हमने शॉर्ट किया और यहां से ये फिर नैंड गेट बनाया, तो हमारे पास यहां क्या प्राप्त होगा, नैंड गेट की संख्या के अनुसार बी बार, ठीक है। इनको आगे बढ़ाते हैं और तीसरे नैंड गेट में हम इन्हें अगर अंदर डालते हैं एन ए की इस प्रकार, तो यहां से हमारे पास आ रहा है ए बार और यहां से आ रहा है बी बार, ये दोनों जो एंड गेट की संख्या में आएंगे, तो यहां आकर टोटल बनेगा ये ए बार डॉट बी बार, ठीक है। लेकिन हमारे पास नॉट गेट है, तो ये नॉट गेट क्या करेगा कि इनका भी इनवर्स करेगा, तो ओवरऑल यहां पर हमारे पास आउटपुट प्राप्त होगा सी बराबर ए डॉट बी, इन दोनों का बार और होल बार। तो डी मॉर्गन थ्योरम से आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में, उससे हम इनको ऐसे ओपन करके लिखे तो ये बार हट जाता है और ये दोनों प्लस हो जाते हैं और ये हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका है, और ये जो संख्या, तो हमने क्या लिया था, दो सिग्नल लिए थे ए और बी, नेट गेट का यूज किया, कहीं पर हमने बेसिक एग्जाम में लिए नेट गेट का यूज करके हमने यहाँ और गेट की संख्या प्राप्त कर ली, तो इस प्रकार नेट गेट से और गेट बनाया जाता है। तो अब हम प्राप्त करेंगे नेट गेट से नॉट गेट, ठीक है, आइए देखते हैं। ये एक और सिग्नल लिया हमने इनपुट, ठीक है, इसको दो भागों में से डिवाइड किया और आगे हम नेट गेट का यूज करते हैं यहां पर, तो यहां से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, यहां से ए आ रहा है, यहां से ए आ रहा है, एंड गेट की संख्या के अनुसार यहां हमें प्राप्त होगा ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट ए प्राप्त होगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि हमारे सिग्नल तो ए है, और नॉट गेट की संख्या के अनुसार क्योंकि यहां पर इन दोनों का इनवर्स हो जाएगा, तो जो आउटपुट मिलेगा हमारे पास सी ए डॉट ए इनका बार मिलेगा, ठीक है। हमें पता है कि ए डॉट ए बराबर ए होता है क्योंकि हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कहते हैं कि ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा है, यहाँ पर हम सिर्फ अवस्था ऑन है या ऑफ है उस पर डिपेंड करता है, मतलब उनको ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ए डॉट ए ए हो जाएगा, ओवरऑल ए का बार हो गया। तो क्या प्राप्त कर लिया हमने, हमने सिग्नल दिया था ए, लेकिन हमने संख्या किसी प्राप्त कर ली, उसका प्रतिलोम यानी कि ये नोट की संख्या प्राप्त कर ली। अब हम नेम गेट से नोट गेट बनाएंगे, नेम गेट से नोट गेट बनाने के लिए आपने अभी तक सीखा कि नेम गेट से और गेट कैसे बनाते हैं, नेम गेट से नोट गेट कैसे बनाते हैं, ये दोनों इसके अंदर यूज आने वाले हैं। नेम गेट से नोट गेट बनाने के लिए आपको नेम गेट है ना उसको पहले और गेट बनाओ और उसको लास्ट में शॉर्ट किया हुआ नेम गेट लगा दो, यानी कि जैसा आपने नोट गेट बनाया ना और वो लास्ट में शॉर्ट किया हुआ नेम गेट लगा देंगे तो जिससे आपको नोट गेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देखो पहले हम इसको नैंड गेट से और गेट बनाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट करके नैंड गेट लगा देंगे तो ओवरऑल नॉट गेट प्राप्त हो जाएगा। जैसा और गेट वाला डायग्राम कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर फर्स्ट इनपुट सिग्नल को अपन शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से, इसको ए मान लो और ये आपका फर्स्ट नैंड गेट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पे एक और नैंड गेट बनाया आपने, इसको भी यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे बी सिग्नल दिया, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे लग के एक नैंड गेट से और जोड़ देते हैं, यहाँ पे ये नैंड गेट से जोड़ा आपने, ठीक है, ये नैंड गेट हो गया।
अब इसको फाइनली यहाँ पे आके अपन शॉर्ट कर देते हैं और एक नेम गेट जोड़ देते हैं, ये नेम गेट आप देख सकते हैं इसको, ये नेम गेट हो गया। अब ये यहाँ तक जो था ना आपने और गेट के अंदर पढ़ लिया था, और ये जो था ना जब आप नोट गेट में कन्वर्ट करते हो नेट गेट को यूज करते हुए, तब आप ऐसे शॉर्ट करते हो ओवरऑल आपको जो और गेट होता है ना उसका भी विपरीत प्राप्त होता है, यानी कि नोट गेट प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे प्राप्त हुआ इसकी थोड़ी संग्रह आप देखो कि जो ए बार ए गया तो आपको पता है कि शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से ए जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पे ए डॉट ए यानी कि ए बार प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से बी जाएगा बी और डॉट बी, ठीक है, बी डॉट बी बी होगा और उसके बाद बी बार प्राप्त होगा। अब ए बार और बी बार यहाँ पे जाएगा और ये होगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। आपको पता है डी मॉर्गन रूल होता है जिससे क्या हो जाता है ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। इसको आगे शॉर्ट किया तो यहां से a प्लस बी जाएगा और यहां से भी a प्लस बी जाएगा, फिर यहां पे फाइनली a प्लस बी का होल बार आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां से a प्लस बी गया, आपको पता है दोनों सेम सिग्नल्स होते हैं तो a डॉट जो a डॉट a होता है या a डॉट b होता है वो a डॉट b होता है, फिर a डॉट a ले लो, ये दोनों सेम सिग्नल्स है तो a डॉट a a हो जाएगा, ये a हो गया पूरा और इसका बार आ जाता है। तो इस प्रकार हम नैंड गेट से नॉर गेट प्राप्त करते हैं। इस प्रयोग का हमारा उद्देश्य है कि नैंड गेट की सहायता से एंड गेट और गेट नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे नैंड गेट से एंड गेट, तो देखते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपको नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी और नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए आपको दो नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इनपुट में लेते हैं, दो इनपुट में लेते हैं ए और बी, जिन्हें आप नैंड गेट के इनपुट में संचित तारों से जोड़ देंगे। तो यहां से हमें ए डॉट बी का बार प्राप्त होगा, ये आउटपुट जो प्राप्त हुआ है इसको हमें शॉर्ट करके एक अगले नैंड गेट में इस तरह दो इनपुट सिग्नल में लगाना है और इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वो डी मॉर्गन थ्योरम की वजह से कुछ इस प्रकार ए डॉट बी प्राप्त होगा। तो हमने लिया क्या था, नैंड गेट लिया था, लेकिन हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी एंड गेट की। तो और इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार है। अब हम चलते हैं प्रयोग पर। तो ये तार्किक द्वार बॉक्स है, इसमें हमारे पास नैंड गेट, आप ये देखिए ये नैंड गेट है, इसमें दो इनपुट सिग्नल है, इसके ये इनपुट है, इसका इनपुट है और ये आउटपुट यहाँ से प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये भी नैंड गेट है। तो हमें क्या करना है, जो ये पावर सोर्स है यहाँ से जो इनपुट सिग्नल्स हैं उसमें से हमें नैंड गेट के इनपुट में संयोजन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे इसको और ये इनपुट सिग्नल हमें नैंड गेट के ऊपर वाले इनपुट सिग्नल में देना है और दूसरा जो इनपुट सिग्नल है बी वो हमें नैंड गेट के दूसरे इनपुट सिग्नल में देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इसका आउटपुट प्राप्त होगा वो यहाँ से प्राप्त होगा, इस आउटपुट को यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब इस आउटपुट को जो मिला है हमें दूसरे नैंड गेट में संयोजन करना है इसका, तो इसे हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, यानी कि इसको दो भागों में विभाजित करके हमें यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। पहला इनपुट इसमें दिया और दूसरा इनपुट इसमें देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो आउटपुट प्राप्त होगा हमारा फाइनली ए डॉट बी वो हमें यहाँ से एलईडी में इसको संयोजित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारे इनपुट स्टेट्स दोनों 0-0 है तब हमारे पास आउटपुट में लैंप जो है बंद है। आप इसको सत्यता सारणी से भी समझ सकते हैं कि जब दोनों 0-0 है तब यहाँ पर हमारा 0 है, जब आप 0-1 करते हैं यानी कि 0 और 1 करते हैं तब भी आपके पास यहाँ पर आउटपुट में ऑफ प्राप्त हो रहा है, जब आप 1-0 करते हैं तब भी हमारे पास आउटपुट में यहाँ एलईडी बंद ही प्राप्त होती है, अर्थात कोई यहाँ पर दीप्ति प्रदीप्ति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब आप जो इनपुट सिग्नल दोनों को 1-1 पर रखते हैं तब आपके पास एलईडी चालू हो जाती है, यानी कि आपने क्या लिया था, नैंड गेट लिया था, वहां से आपने एंड गेट प्राप्त कर लिया। आप देखेंगे सत्यता सारणी में एंड गेट भी यही सत्यता सारणी प्रदर्शित करता है। तो अब दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। अब हम नैंड गेट से और गेट बनाते हैं, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमारा सर्किट रहेगा, सर्किट डायग्राम इस तरह रहेगा। तो आपको उसके लिए तीन नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं ए, ए इनपुट को शॉर्ट करके एक नैंड गेट के दोनों इनपुट सिग्नल इस प्रकार लगाते हैं तो हमें आउटपुट में ए बार प्राप्त होगा। इसी तरह दूसरा इनपुट सिग्नल बी है उसे भी हम शॉर्ट करके दूसरे नैंड गेट में लगाएंगे तो आउटपुट में बी बार प्राप्त होगा। इनसे जो आउटपुट प्राप्त होगा उसको हमें तीसरे नैंड गेट के अंदर लगाना है। तो इन जो ये आउटपुट प्राप्त होगा इसको तीसरे नैंड गेट में लगाएंगे, तब
यहाँ पर एंड डॉट भी होगा क्योंकि यहाँ एंड गेट है और नोड के भी संख्या लगने के बाद इसका भी भाग हो जाएगा। तो आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ हमें ए प्लस भी प्राप्त होगा। तो हमने लिया क्या था, एंड गेट लिए थे और हमें संख्या किसकी प्राप्त हुई, और गेट की। इसकी संख्या सारणी इस प्रकार है। अब हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो हम नैंड गेट की सहायता से ओर गेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये ए इनपुट है इसे लेंगे हम, और सर्किट डायग्राम देखने से पता चलता है कि इससे हमें दो भागों में शॉर्ट करना है। तो आप इसे शॉर्ट करके एक जो नैंड गेट है इस नैंड गेट में लगाएंगे इनपुट में, और दूसरा जो सिग्नल आ रहा है बी, उस बी सिग्नल को भी शॉर्ट करके दूसरे नैंड गेट में लगाना है। चलिए देखते हैं, ये दूसरे नैंड गेट दोनों इनपुट सिग्नल में लगा दिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो इन सिग्नल का जो आउटपुट प्राप्त होगा उससे हमें तीसरे नैंड गेट यानी कि आप इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो इसका आउटपुट प्राप्त होगा इसे तीसरे नैंड गेट के ऊपर जोड़ दिए फर्स्ट वाले सिग्नल में, और दूसरा नैंड गेट जो है इससे जो आउटपुट प्राप्त होगा इसे भी इसी के अदर इनपुट में जोड़ दीजिए। तो फाइनली ओवरऑल आउटपुट हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा उसे हमें इस एलईडी में लगाना है। तो ये एलईडी को देखते ही आप देखते हैं हमारी सत्यता सारणी की जांच करते हैं कि क्या सही है ये सर्किट या गलत है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों इनपुट स्टेट्स हैं दोनों अभी जीरो स्थिति पर है, दोनों शून्य स्थिति पर है। तो हमें एक आउटपुट में क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो। ठीक है, अगर हम जीरो वन लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। हमें जीरो वन लेने पर देखिए हमें यहाँ वन प्राप्त हो गया जो कि और गेट की संक्रिया को संतुष्ट करता है, और यहाँ अगर 10 लेंगे, इसको बंद किया और ये 10 लिया तब भी आपको यहाँ पे प्रतिदीप्ति प्राप्त हो रही है, यहाँ सिग्नल 1 प्राप्त हो रहा है, और जब आप 11 लेते हैं सिग्नल तब भी आपको आउटपुट में 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, नैंड गेट लिए थे, नैंड गेट की सहायता से और गेट की संक्रिया प्राप्त कर ली। अब हम नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करेंगे। नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए हमें एक नैंड गेट की जरूरत होती है। नैंड गेट कुछ इस प्रकार का होगा, इसके अंदर हम एक इनपुट सिग्नल देते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं, इसके बाद हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वो नॉट गेट का प्राप्त होगा। इसे समझने के लिए हमने एक सत्यता सारणी बनाई है, ये सत्यता सारणी है, इसको हम आगे प्रैक्टिकली समझ। नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए हमें एक नैंड गेट की आवश्यकता होती है, इन चारों में से कोई सा भी एक नैंड गेट चूज करते हैं, माना कि ये नैंड गेट चूज किया, इसके लिए हमें इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होगी और आपको पता है कि हमें इसे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने का मतलब हुआ कि दोनों सिग्नल्स जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि ए होंगे तो ये ए होना चाहिए। ये इनपुट सिग्नल शॉर्ट हो गया, अब इसे हम आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए एलईडी पर प्राप्त करेंगे। ये आउटपुट सिग्नल एलईडी पर प्राप्त हो गया। अब सत्यता सारणी चेक करने के लिए हमें ये पावर ऑन करना होगा। अब इस सत्यता सारणी आप मैच कर सकते हैं, जब जीरो होता है तो ये एलईडी ग्लो करती है और जब इनपुट सिग्नल 1 होता है तो एलईडी ऑफ हो जाती है। इस प्रकार हमारी प्रयोग सत्यापित होता है नैंड गेट से नॉट गेट वाला। नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए हमें 4 नैंड गेट की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नैंड गेट से नॉट गेट बना रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जो फर्स्ट 2 नैंड गेट्स होंगे उसके अंदर दोनों इनपुट सिग्नल्स को शॉर्ट करेंगे, जैसे ए को शॉर्ट कर दिया बी को शॉर्ट कर दिया, ये जो सिग्नल प्राप्त होगा उसको नेक्स्ट जो थर्ड वाला नैंड गेट होगा उसके अंदर दोनों सिग्नल को संयोजित करेंगे, फिर जो ये सिग्नल प्राप्त होगा उस आउटपुट सिग्नल ये जो प्राप्त हुआ उसको फाइनल जो नैंड गेट है उसके अंदर शॉर्ट कर देंगे और आउटपुट को एलईडी पर प्राप्त करेंगे। इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार है, और अब हम प्रैक्टिकल को देखते हैं। नैंड गेट से नॉर गेट बनाने के लिए हमें 4 नैंड गेट की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम सबसे पहले इस नैंड गेट को यूज करते हैं और आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। इसके लिए हम पहले इनपुट सिग्नल ए को शॉर्ट करते हैं, ये इनपुट सिग्नल शॉर्ट हुआ ए वाला। इसके बाद हम इनपुट सिग्नल बी लेंगे और उसको दूसरे नैंड गेट में संयोजित करेंगे, इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करना मतलब दोनों जो इनपुट सिग्नल बी लेना। इसके बाद हम तीसरा नैंड गेट लेंगे और इन दोनों का जो आउटपुट सिग्नल होगा उसको तीसरे नैंड गेट के अंदर देंगे। ये इनका आउटपुट सिग्नल से ये ए वाले का आउटपुट सिग्नल है और वो बी वाले का आउटपुट सिग्नल है। इन दोनों को हम जो ये थर्ड वाला नैंड गेट के अंदर दिया इसका जो आउटपुट सिग्नल है उसको शॉर्ट कर देंगे फोर्थ वाले नैंड गेट के अंदर, इसको शॉर्ट कर देंगे फोर्थ वाले के इनपुट सिग्नल के अंदर, इसको हमने शॉर्ट किया और जो ये आउटपुट प्राप्त होगा उसको एलईडी पर प्राप्त करेंगे। ये एलईडी
अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, पावर ऑन करेंगे। अब इसकी सत्यता सारणी देखते हैं। सो इसकी सत्यता सारणी के लिए अब जब दोनों इनपुट सिग्नल जीरो होते हैं तब एलईडी ग्लो करती है, यानी कि इसका इनपुट आउटपुट सिग्नल वन प्राप्त हुआ। जब इसका ए वाला सिग्नल या इनपुट सिग्नल वन रखते हैं और बी वाला सिग्नल जीरो होता है तब एलईडी ग्लो नहीं करती है, इसका मतलब ये जीरो सिग्नल प्राप्त हुआ। और जब इसको बी वाला सिग्नल वन लेते हैं और ए वाला सिग्नल भी वन लेते हैं तब भी एलईडी ग्लो नहीं करती है। और इसी प्रकार जब बी वाला सिग्नल वन लेते हैं और ए वाला सिग्नल जीरो लेते हैं तब भी एलईडी ग्लो नहीं करती, यानी कि जीरो सिग्नल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारी सत्यता सारणी सत्यापित होती है और हम नैंड गेट से नोर गेट प्राप्त करते हैं। अब हम नैंड गेट से लास्ट गेट एक्सक्लूसिव और गेट बनाएंगे। इसके लिए हमें चार नैंड गेट की आवश्यकता होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट वाला नैंड गेट होगा उसके अंदर दो इनपुट सिग्नल अलग अलग लेंगे। ये इनपुट सिग्नल जो होंगे ना इसका एक वाला जो संयोजी तार है वो जाएगा दूसरे नैंड गेट के फर्स्ट इनपुट सिग्नल के अंदर, और इसका जो दूसरा संयोजी तार होगा बी वाला वो दूसरे नैंड गेट के दूसरे वाले संयोजी तार के अंदर लगेगा। इसके बाद जो इसका जो आउटपुट सिग्नल जो फर्स्ट वाले का आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वो दोनों के अंदर जो इनका फर्स्ट और सेकंड आउटपुट सिग्नल होगा सॉरी इनपुट सिग्नल होगा उसके अंदर लग जाएगा। इन दोनों नैंड गेट्स का जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा उसको हम जो फोर्थ वाला नैंड गेट होगा उसके अंदर इनपुट सिग्नल्स के अंदर लगा देंगे, और फाइनली जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमें एक्सक्लूसिव और गेट का प्राप्त होगा। इस प्रकार हम नैंड गेट से एक्सक्लूसिव और गेट बनाते हैं और इसकी सत्यता सारणी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम नैंड गेट से एक्सक्लूसिव और गेट बनाने के लिए हम प्रैक्टिकल के ऊपर नैंड गेट से एक्सक्लूसिव और गेट बनाने के लिए हमें ये फर्स्ट चार गेट्स की आवश्यकता होगी। ये चारों गेट्स हम काम लेंगे। इसके अंदर जो ये फर्स्ट गेट है इसके अंदर आपको जो इनपुट सिग्नल होता है उसको यहाँ लगाना है, ये इनपुट देना है इसको ए वाला, और इस वाले ये जो बी है इसको बी वाला इनपुट सिग्नल मिलेगा। ओके ये आपका अब इसका जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वो इसके बी से इसके ए से अगले वाले नैंड गेट के ए से और इसी को इसी का जो ये इसको लघुपतित या सॉरी इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा ये इसके बी से चाक के जुड़ेगा। अब इसका जो ये ए वाला सिग्नल है ये फर्स्ट वाले के ए वाले सिग्नल से जाके जुड़ेगा, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इसका जो बी वाला सिग्नल है ये इसके बी वाले सिग्नल से जाके जुड़ेगा। मेक श्योर कि आपके तार संयोजी तार एकदम सही होने चाहिए। इसके बाद ये वाला जो इसका आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वो इसके अगले वाले के इनपुट ये नेक्स्ट फोर्थ वाला नैंड गेट लिया इसके इनपुट सिग्नल में जाएगा, और ये वाला जो इसका आउटपुट सिग्नल है ये फोर्थ वाले के इनपुट सिग्नल में जाएगा। फाइनली ये वाला जो फोर्थ गेट का आउटपुट सिग्नल है उसको उसका जो सिग्नल एलईडी पर प्राप्त करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा संयोजन पूरी तरह से सफल हो चुका है। अब हम इसकी सत्यता सारणी चेक करते हैं। इसकी सत्यता सारणी देखने के लिए आपको पता होगा कि जब दोनों सेम सिग्नल्स देते हैं तब एलईडी ग्लो नहीं करती है, और जब जैसे ये 0-0 है तो एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, जब दोनों 1 होते हैं तब भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, लेकिन जब दोनों सिग्नल्स अलग अलग होंगे तब एलईडी ग्लो करेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि 0 और इसके अंदर 1 है तब एलईडी ग्लो कर रही है, जब 1 और 0 होगा तब भी एलईडी ग्लो कर रही है। इस प्रकार हमारी सत्यता सारणी सत्यापित होती है। ओके।